फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी साथियों को। आपके अपने ट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ये सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की एक ऐसी रेमेडी जो निश्चित तौर पर बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी है। फ्रेंड्स हमने अपने प्रैक्टिस में इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखे हैं, आज उसी आधार पर हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। फ्रेंड्स आइए हम लोग इस रेमेडी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इसका नियम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, यह मेडिसिन प्लांट्स कहाँ पर पाया जाता है, क्या क्या विशेषताएँ हैं और किस प्रकार से हमारे आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या कि और भी जो संसाधन है जिनके माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जरूर पहुँचाइए, जिससे लोगों में प्लांट में रेमेडीज के प्रति अवेयरनेस आए, जागरूकता आए और निश्चित तौर पर इनको संरक्षित भी किया जा सके। और किसी को किसी प्रकार की अगर समस्या है तो निश्चित तौर पर रेमेडी बहुत ही कारगर होती हैं। इस तरीके से कई वीडियो अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं और लोगों को भी ठीक करने में मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अपने पॉइंट में बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम की बहुत बेहतरीन रेमेडी जिसका नेम है फ्रेंड्स, इसको मेजेरियम कहा जाता है। इसका जो पूरा नेम है वो है डेफने मेजेरियम, DAPHNEMEZERUM। फ्रेंड्स इसका जो कॉमन नेम है वो है स्प्रेज ओली, इसको कहा जाता है SPURGEOLIVE। फ्रेंड्स एक्चुअल में ये यूरोपियन प्लांट किंगडम की रेमेडी है, यानी कि इसका जो पौधा है वो यूरोप में पाया जाता है। फ्रेंड्स ये एक प्रकार का श्रब है, यानी कि एक प्रकार का झाड़ है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फ्रेंड्स हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो इसके महत्वपूर्ण सिम्टम्स हैं वो किन किन डिसीजेस के ऊपर काम करते हैं उसको नोट कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि आप उनको ट्रीटमेंट करते रहते हैं उसको देख के, लेकिन वो ठीक नहीं होता, लेकिन उसका जो विशेष सिम्टम्स जिस रेमेडी के साथ मैच हो जाता है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो फ्रेंड्स ये जो रेमेडी है ये स्किन डिसीजेस के ऊपर बहुत अच्छा है, यानी कि स्किन के जो सिम्टम्स हैं उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है। स्किन डिसीजेस के ऊपर इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे लगता होगा कि स्किन के लिए तो बहुत सारी रेमेडीज हैं तो फिर ये कैसे। हाँ इसका एक विशेष सिम्टम्स ये है फ्रेंड्स कि आप देखेंगे कि जो भी बॉयल्स है, पिंपल्स है, यानी कि फोड़े फुंसियाँ हैं, उसमें आप देखेंगे कि बाहर से ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ठीक हो गया है। आपने अक्सर देखे होंगे कई बार आपको चोट लग जाती है, कई बार कुछ स्किन में डिसीज हो जाती है तो आपको लगेगा कि बाहर आप देखेंगे एक बिल्कुल सफ़ेद लेयर जम जाएगा, कई बार काली की लेयर जम जाती है और ऐसा लगता है कि अब ये घाव पूरी तरीके से ठीक हो गया है। लेकिन जब उसको आप प्रेस करेंगे और आप देखेंगे उसके साइड से फिर पस फार्मेशन होने लगता है, यानी कि उसके अंदर पस भरा रहता है, यानी कि येलोइश और वाइट कलर का आप देखेंगे कि पस भरा रहता है। ऐसे कंडीशन के लिए यह रेमेडी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है और ऐसा सिम्टम्स में और कोई रेमेडी इफेक्टिव नहीं है कि अगर स्किन की कोई भी डिसीज हो और या कि कोई भी घाव हो गया हो, पिंपल्स हो गए हों या कि उसके अंदर बॉयल्स हो गई हो और आप देखेंगे कि अंदर उसके पस भरा हुआ है, बाहर से ऐसा देखने में लगेगा कि पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, इसमें अब ये घाव ठीक हो रहा है उसके सिम्टम्स हैं, पर ऐसा नहीं। उसके अंदर जैसे आप देखेंगे तो उसके अंदर से पस फार्मेशन होना शुरू हो जाता है, पस भरा रहता है और उसको प्रेस करने से पस बाहर भी आ जाता है। ऐसे सिम्टम्स के लिए यह रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। इसका की सिम्टम्स है फ्रेंड्स, तो इसके दूसरा आपने एक चीज़ और देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को एक समस्या होती है कि जो स्कल रीजन यानी कि हेड है, जो खोपड़ी है, ऊपर कई बार बाल निकल जाते हैं और छोटे 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 बहुत सारी फुंसियाँ आ जाती हैं और उसमें एक सफ़ेद लेयर जम जाती है और देखने से बाहर से लगेगा अभी ये ठीक हो गया है, पर उसमें बहुत ज़्यादा अंदर मावाद यानी कि पस भरी रहती है और इतना ज़्यादा कि पस थोड़ा थोड़ा निकलती रहती है और जो बाल हैं वो उसमें पूरी तरीके से चिपक जाते हैं। ऐसे पेशेंट हमने बहुत सारे देखे हैं, हमारे प्रैक्टिस में भी आए हैं, जिनकी लंबे समय से मेडिसिन चल रही थी, यानी कि किसी न किसी चिकित्सा पद्धति से वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे, वो नहीं ठीक हो पा रहे थे। हमने भी ट्राई किया तो नहीं ठीक हो पा रहे थे, पर जब हमने स्टडी किया, सिम्टम्स देखा, उनका सिम्टम्स मेजेरियम से मिला और मेजेरियम मिलने के बाद इसको 2 से 3 खुराक देने में भी उनको बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन देखने को मिला और पेशेंट लगभग 15 से 20 दिन एक महीने के अंदर अंदर उनकी जो बीमारी थी वो जाती रही और कभी रिपीट भी नहीं करी। आज उसी आधार पर हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छी यूनिक रेमेडी है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स ये जो डिसीज, जैसा कि अपन ने बताया कि स्कल के ऊपर यानी कि खोपड़ी के ऊपर इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसको कैरियन बोला जाता है फ्रेंड्स, KERION। एक प्रकार की डिसीज है जो कि हेड के ऊपर आपको देखने से
जैसा कि आप देखेंगे कुछ सिम्टम्स देखने को आपको मिलेगा, जिसमें से पस अंदर भरा रहता है, बाल चपके रहते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी फील होती है। ऐसा पेशेंट को आप देखेंगे वो ठंडी हवा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठंडी हवा में उसके केसेस यानी कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रात के समय उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, जैसे ठंड हवा उसको लगती है तो शरीर में और भी सिम्टम्स यानी कि दर्द भी होना शुरू हो जाता है, स्पास्मोटिक कंडीशन देखने को मिलती है और जो उसका पस फॉर्मेशन है वो भी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो रेमेडी है बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है ये, जिन लोगों को खासकर आपने देखे होंगे बहुत सारे बच्चों को जो अभी हमने सिम्टम्स बताए हैं ये सिम्टम्स वैक्सीन लगने के बाद होता है। अगर ऐसा सिम्टम्स यानी कि पोस्ट वैक्सीनेशन कॉम्प्लिकेशन के ऊपर ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि पोस्ट वैक्सीनेशन कॉम्प्लिकेशंस जो भी हैं, जो भी शिकायतें हैं वैक्सीन लगने के बाद जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ऐसे कंडीशन में यह रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। पर ध्यान रखिएगा, अगर बुखार हो रहा है, स्किन में रेडनेस आ रहा है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहा है, आँखों में समस्या हो रही है, जलन हो रही है, है ना, शरीर में जान नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपको थूजा को देना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद इस तरह से पस फॉर्मेशन हो, स्किन डिसीज आ जाए और कैरियन नामक डिसीज हो जाए सर के स्कल के ऊपर यानी कि खोपड़ी के ऊपर, आप देखेंगे कि छोटे छोटे दाने पड़ना शुरू हो जाएं, उसके बाद वो धीरे धीरे फैल जाए, ऊपर सफ़ेद पपड़ी पड़ जाए और अंदर पस हो जाए, ऐसे कंडीशन के लिए फिर मेजेरियम को याद किया जाता है। ये बहुत ही यूनिक रेमेडी है फ्रेंड्स। इसका अगला सिम्टम्स है कि आप देखेंगे कि नी ज्वाइंट यानी कि घुटने के नीचे आपकी जो टिबिया बोन होती है यानी टिबिया फिब्रा दो होती हैं, जो टिबिया का रीजन होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खिंचाव महसूस होता है, है ना, ऐसे कंडीशन में भी यह रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। यानी कि नी ज्वाइंट के नीचे टिबिया रीजन में ऊपर से नीचे तक अगर दर्द हो रहा है या ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, ऐसे भी सिम्टम्स में यह रेमेडी दी जाती है और इसके बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा, यह दर्द तब होता है जब कोल्ड विंड यानी कि ठंडी हवा जैसे चलती है, ऐसे कंडीशन में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, तो यह रेमेडी काफ़ी इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स हमने उम्मीद करते हैं कि हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश की, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइए।